बबलू बंजारा ब्रो है जो कि बूंदी से आए हैं अपन से स्पेशली मिलने के लिए। आवड़ाओ कैमरा का सामान आचे आ जाएगी बत्ती गुलो जैसे पूरा भाई तनसु समझा रही बात ने भी सोतन। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने वन डे वन फॉलोवर मीटअप टास्क में अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर भाई बबलू बंजारा सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी है KST। और भाई लोग अपने डे 22 का व्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुका है कोटा राइडर्स पर, तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना शुरू कर दें और कैसा लगा ये चीज अपने भाई को जरूर बताएं। और आज कोटा में थोड़ी ज्यादा सर्दी वापस से बढ़ गई और इतनी सर्दी होने के बावजूद भाई बूंदी से आ गया तो भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना प्यार और सपोर्ट मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और भाई लोग अभी आज जैसे ही सर्दी बढ़ी है तो वापस से क्या है बुखार जुकाम खांसी ये शिकायत होना काफी आम बात है, तो आप सब लोग थोड़ा तबीयत का ध्यान रखें, टी शर्ट में जोश न दिखाएं वरना वह टाइट होकर निकल भी जाएगी। और अभी अपन को भाई बबलू यही मिलेगा शायद आस पास ही। और भाई बबलू ने तो हाथ ही मार दिया। जय श्री राम मारा भाई, जय श्री राम। और कुनकुन आया आजा उतर। अरे दादा भाई का छाती पे छटकों को बख देने से। अरे मारा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी छाती बड़ी कर दी एकदम से। मैंने आपसे पहले बोला था वहाँ आईटीआई के आने के लिए। अच्छा आईटीआई कॉलेज का 4 बजे है ना? हाँ। यार पता है मैं 4 बजे अगर आऊंगा तो मैं एडिट कब करूंगा। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने भाई बबलू बंजारा ब्रो हैं जो कि बूंदी से आए हैं अपन से स्पेशली मिलने के लिए, पर आज के दिन में धुंध भी है और बहुत ही ज्यादा सर्दी है और बूंदी से आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भाई को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई मेरे लिए आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और आप यहाँ तक आए हो, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स ब्रो। तो भाई से मिलके देख मुझे तो भाई अंकर खुशी हो रही है नहीं है, वो तो मैं छाती थोड़ी नहीं कर सकता क्योंकि जैकेट फट जाएगी। पर भाई से पूछना चाहता हूँ भाई मुझसे मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार। उधर देखोगे आपकी शक्ल इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा कोई आदमी बूंदी से नहीं आता। बहुत अच्छा लगा मिलके, आप भी एक बार मीटअप करिए यस भैया से, कैसा लगता है आपको भी? और कितने दिन से फॉलो कर रहे हो मुझे? जब से आपने स्टार्ट किया। ये भी भाई पूछते नहीं फॉलोवर है अपने शुरुआत से साथ है। और इनके जैसे इनकी लोकेशन डाली थी तो स्टोरी देख कर अपने पास भाई भी आया और भाई की अभी भी क्या है धड़कन ऊपर नीचे चल रही है। तो पहले नाम बताओ भाई। विक्रम। विक्रम धड़कन ऊपर नीचे क्यों चल रही है? मैं बहुत बड़ा स्टार थोड़ी हूँ भाई। अरे आपको मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ, आपकी स्टोरी भी लगाता हूँ इसलिए। अभी कहाँ से आए हो? अभी कॉलेज से। कौन से कॉलेज? आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई। तो आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज कहाँ पर है, तो ये भाई इसके साथ में सेना भी लेकर आया है क्योंकि भाई अकेला नहीं घूमता है नहीं है। और भाई इसके साथ में एक बहुत ही खतरनाक सैनिक लेकर आया है, उसको क्या है आप लोगों को देखने की बहुत आवश्यकता है। अपने ये भाई ये इतनी सर्दी होने के बावजूद भाई जैकेट का प्रयोग नहीं करता है, इसका मतलब समझ सकते हो आप कितनी कठोर छाती है इसकी, फाड़ के भी देख सकते हो। तो भाई लोग और बाकी अपने जितने भी भाई लोग हैं अपन से मिलने के लिए खड़े हैं, अपन उनसे एक बार इनका नाम पूछते हैं सबका। यश प्रजापति। कहाँ से आया? सुरसागर से, आईटीआई। राजवीर सिंह नानता से, कोटा। योगेंद्र नागर दिगोस से। मैं भी नागर। अजय केतन से आया हूँ। गोविंद बंजारा गांव प्रेमनगर। और ये भाई का लंगोटी मित्र है। इधर आते हैं लंगोटी दिखा। ये दोनों क्या है खास मित्र है। और ये भाई अभी क्या है जैसे इसको पता लगा कि मैं इधर आ गया हूँ तो भाई मैं मिस्त्री का काम छोड़ के आया हूँ, गाड़ियां लग रही थी लाइन से 3-4 लेकर उनको छोड़ के आया हूँ। भाई इसके लिए बड़ी बात तो नहीं हो पर मुझ पे इतना भरोसा करना मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि अपन तेरे छोटे मोटे आदमी दादा किसी भी चीज का कमेंट करना देख भाई ना तो फैमिली में है ना ही अपने नेचर में है, जो भी चीजें हैं हक्का खाओ हक्का गाओ। बाकी मुझे इन भाइयों से मिलके काफी अच्छा लगा। और भाई लोग अपने कोटा की पब्लिक को कुछ कहना चाहते हो? आप में से किसी के इच्छा हो रही है किसी भी मामले में अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। बोल 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 कैमरा का सामान आचे आ जाएगी बत्ती गुलो जैसे पूरा भाई दंसु समझा रही बात ने भी सोतन पूरा भाई दंसु प्रत्येक आदमी मतलब जो सुर राजा हो अब बताते हैं इतना सारा तो सुर राजा चिगरी बोलियो। मेरे बारे में अगर कोई चीज बोलना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो, मैं सही काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ गड़बड़ है घटिया है अगर कुछ भी बोलेगा ना भाई मैं कुछ भी नहीं काटूंगा सब डाल दूंगा। डायरेक्ट डाले तो चीज को डर लागे छे तो बिल्कुल दिल खोल और पल्ली तो नर्वस हो वो बंद हो जाओ। सही बात क्योंकि भाई जेब बसक हो का चना बक लोगो शेर सिंह शेर आई शेर सिंह। तो भाई से आप लोग
कुछ बातचीत सुने भाई, कुछ कहना चाहता है हमारे यश भैया? इनसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, और हम इनको गए जानते भी नहीं थे। हम गए, मेरा दोस्त आया, इनके साथ आया हूँ मैं भी, तब से जाने लगा हूँ, अब इनको फॉलो भी करूंगा। और लोग मुझे फॉलो करे नहीं करे, क्या कहना चाहते हो भाई? और भी करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, दबा के भैया को उठा दो। पर दिखावा कतई मत करो, बाकी सब चलेगा, दिखावा मत करना, पर जी बोलो पर चाहिए नहीं। तो यश भैया आपने कोटा से, और अच्छा मतलब अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सभी को, अपने व्लॉग के माध्यम से भी भैया है ना, अच्छा समझाना चाहते हैं, मतलब पब्लिक को ये समझाना चाहते हैं कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए दोस्ती में, और अच्छे से रहना चाहिए दोस्तों को एक दूसरे के साथ, और किसी भी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। और भैया को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और बेल आइकन को ऑल पे करके पूरा सब्सक्राइब करो भैया को। तो भाई क्या है, हल्का हल्का नर्वस है, आप लोग समझ जाते होंगे कि कैमरे के सामने बत्ती गुलोना बहुत ही आम बात है, पर फिर भी मैं अपने यहाँ इतने भाई है, तो आप में किसी के दोस्त ने आप लोगों को कभी धोखाधड़ी करी है आपके साथ? हमारे साथ बता पूरी बात। हमारा था कोई दोस्त, हमारा दोस्त था जो पहले तो बेस्ट फ्रेंड था, पर वो क्या है बीच में थोड़ा जानते हो ना जलने लग गया कोई दोस्तों के साथ रह के। बस उसको संदेश देना चाहता हूँ कि जो खुद कर सकते हो ना उसी पे विश्वास करो, दूसरों के सपनों को देख के ऐसे मत बोलो कि तुझसे नहीं होगा, तू ये मत कर, फलाना मत कर, ऐसे ऐसे मत बोला करो, उसको जो कर रहा है ना वो करने दो, बस गलत राह में मत जाने दो। तो भाई लोग जितने भी है तो दोस्ती को धंधा बनाने की कोशिश ना करें, मेरी सलाह तो यही है। और बाकी आप जानते हो धंधे वालों की जगह कहाँ रहती है, अगर आप धंधा बनाते हो तो। तो आज का व्लॉग, अपने 23वें दिन का व्लॉग आज अपन यहाँ पे करते हैं खत्म, और अपना ये जो व्लॉग है ये अपने आज शाम को 8 बजे कोटा राइडर्स यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो आप लोग देखने के लिए बेल आइकन मार लें या फिर अपनी खोपड़ी मार लें। पर आप लोग अगर मीटअप करना चाहते हैं तो अपनी रील पर कमेंट करना न भूले, अपनी स्टोरी पर अपनी रील को लगाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें अगर रियल में सपोर्ट करते हैं तो। बाकी पूरी कोटा पब्लिक और इंडिया की जितनी भी पब्लिक है पूरी को जय श्री राम, जय श्री राम।